हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको अपने विंटर के प्लांट्स में जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने फर्टिलाइज़र तैयार कर लिया है और जिन प्लांट को मैंने अभी जल्द ही रिपोर्ट किया उनमें मैंने नहीं दूंगी। जिनको लगभग 15-20 दिन हो चुके हैं उन्हीं में दूंगी वो फर्टिलाइज़र, और कुछ मेरे क्रिसेंथियम के प्लांट हैं उनमें भी दूंगी, क्योंकि कुछ में कलियां आ गई हैं और जिन में कलियां नहीं आई हैं उनमें मैं वो फर्टिलाइज़र दूँगी अभी, और डहलिया के प्लांट में भी दूँगी। और इनको तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया है तो अभी इनमें देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 20 दिन इनको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि जब हम इन प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो मिट्टी अच्छी तैयार करते हैं, अच्छा खाद भी उसमें डालते हैं, तो तुरंत इतना जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद आप 15-20 दिन के बाद आप इनको फर्टिलाइज करना शुरू कर दीजिए। तो अभी मैं इन प्लांट्स में नहीं दूँगी, वैसे मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी थी, मैंने सोचा था देने के लिए, लेकिन फिर भी सोच रही हूँ अभी तो रिपोर्ट किया है तो थोड़ा समय एक वीक और मतलब कि रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं इनको नेक्स्ट वीक से देना शुरू करूँगी। तो ये सारे प्लांट मैंने अभी रिपोर्ट किए हैं कुछ दिन पहले ही, और जो मेरे थर्ड फ्लोर पे हैं उन्हीं में मैं देने वाली हूँ फर्टिलाइज़र। देखिए यहाँ पे जरबेरा कितना प्यारा से खिला हुआ है, और ये वाले फ्लावर तो बिल्कुल इतने लंबे स्टिक है ये नीचे की तरफ बिल्कुल झुक जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक, और मैंने लगभग इसमें 2 चम्मच DAP भी डाला हुआ है। DAP मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसको डहेलिया के प्लांट में देने वाली हूँ, तो जो डहेलिया का प्लांट है उसमें DAP बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग भी अगर लगाए हैं डहेलिया के प्लांट आपने लगाए हैं तो उसमें DAP ज़रूर दीजिए। तो डहेलिया के प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है और थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है, तो दोनों मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि जो डहेलिया के प्लांट होते हैं बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं, जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं उनके लिए फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसको छान भी सकते हैं या तो आप इसको ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। तो जो मेरा DAP था वो बिल्कुल डिजॉल्व होने वाला था, तुरंत घुल जाने वाला। वैसे मैंने इसको लगभग 4 दिन पहले बनाया है, इस फर्टिलाइज़र को 4 दिन पहले से रखा है बना के, आज 4th दिन है, 4 दिन हो गए हैं इसको। तो इसको हम आधा, इसमें ये हमारी 20 लीटर की बकेट है, इसी में इसको मिक्स करेंगे। देखिए इतनी मात्रा में हमने इसको मिक्स कर लिया। तो मैंने क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाली थी क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये देखिए इतनी क्वांटिटी में इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लूँगी। तो इस तरह से लिक्विड तैयार करना है आपको और फिर अपने प्लांट में देना है। तो ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया, और यही फर्टिलाइज़र आप पूरे विंटर अपने जितने भी प्लांट हैं विंटर के सभी को दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छी फ्लावरिंग होगी, अच्छी मतलब की ग्रोथ होगी प्लांट की, क्योंकि ये ऑर्गेनिक NPK है, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ें इसमें होती हैं जो हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होता है, तो उसको आप अपने प्लांट में दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे, और चाहे तो अडेनियम में भी दे सकते हैं, लेकिन अडेनियम में अभी जो विंटर का टाइम है, डोरमेंसी का टाइम है, तो देने की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र, मैं तो अभी नहीं दूंगी, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लीडिंग हार्ट में भी दे दिया और अपने हिबिस्कस में भी दे दिया, इनमें दे दिया, और एक प्लांट मेरा यहाँ पर है ये ऑरेंज कलर का है, आज इनमें फ्लावर नहीं आए हैं, नहीं तो एक दो फूल रोज ही आते हैं। देखिए कलियाँ काफ़ी सारी आई हुई हैं, और उधर मेरे पिंक और येलो वाले हिबिस्कस हैं उनमें भी सब में दे दूँगी मैं एक एक मग। तो वैसे तो मैं फ्रूट और वेजिटेबल पील्स का भी फर्टिलाइज़र देती हूँ इनको, लेकिन मैंने आज इसको बनाया है तो इसी को दे दूँगी। ये देखिए ये हमारा येलो हिबिस्कस है और ये पिंक है, एक उधर भी पिंक है जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए ये हमारा पिंक हिबिस्कस है, इसमें भी हम दे देंगे। आप इसको थोड़ा सा कलांचम भी दे सकते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलांचम भी दे देंगे ताकि इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो। कलंचों के प्लांट में देते समय ये फर्टिलाइज़र आप ये ध्यान रखना कि इसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, मिट्टी गीली रहेगी तो इसमें फंगस लगेगा और फंगस से आपकी जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएंगे, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। तो कलंचों में अगर आप देते हैं तो इसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तो मेरे प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सी ड्राई है, बिल्कुल ही ड्राई है। तो ये देखिए बाकी में तो कलियाँ आ भी गई हैं, देखिए इनमें कलियाँ आ गई हैं, इनमें मैंने एक दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिया था, मतलब कि बनाना पील या फिर जो पोटैटो पील्स होते हैं उन्हीं का फर्टिलाइज़र दिया था इनमें,
और ये मैं पेंटास में दे दूंगी। पेंटास थोड़ा मतलब हो गया मुझे रिपोर्ट के लगभग 15-20 दिन इसको, और ये वाले इम्पेशन में भी दे दूंगी क्योंकि ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था तो इसको बिल्कुल भी फर्टिलाइजर नहीं दिया था उस टाइम पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड फ्लोर पे, और आप चाहे तो सकुलेंट में भी इसको दे सकते हैं, लेकिन सकुलेंट में ज़रूरत नहीं होती है इस तरह का फर्टिलाइजर देने की। फिर भी देखिए ये प्लांट मेरा कभी ख़राब नहीं होता इसलिए मैं इसमें दे देती हूँ इसको, बाकी मैं तो नहीं दूंगी। और ये देखिए ये भी हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें दो फ्लावर खिल चुके हैं, मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। तो ये देखिए एक डहेलिया का प्लांट यहाँ पर है और इसमें मैं ये दे दूँगी इस तरह से। और इधर मेरे सारे क्रिसेंथियम हैं जिनमें सभी में लगभग कलियाँ आ गई हैं, बस कुछ प्लांट बचे हैं जिनमें कलियाँ भी नहीं आई हैं, तो उन्हीं में मैं दूंगी जिनमें कलियाँ नहीं आई हैं। डहेलिया में मैं सभी में दे दूंगी क्योंकि डहेलिया को तो खिलते ही रहना है, इसमें तो नई निकलियाँ आती रहेंगी, फ्लावर खिलते रहेंगे, तो इसमें हम हमेशा पूरे विंटर इनको देंगे ये वाला फर्टिलाइज़र। तो सभी में एक एक मग दे दूँगी इसी तरह से। ये देखिए हमारे क्रिसेंथियम, और आप इसको सुबह टाइम ही दीजिए, सुबह देंगे तो दिन भर में अच्छे से सूख जाएगा और प्लांट हमारा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए हमारा डहेलिया का प्लांट है, और डहेलिया के प्लांट में एक चीज़ और आपको करना है, जो भी इस तरह से पीले हुए पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, आप उनको कट करके बिल्कुल हटा लीजिए, नहीं तो क्या होता है एक पत्ता ख़राब होता है तो साथ में दूसरे भी देख देख कर उसको ख़राब होने लगते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ये देखिए इसमें बहुत सारे पत्ते मेरे पीले हो गए, छोटे छोटे गमलों में लगे हैं 10-10 इंच के, और प्लांट देखिए कितने बड़े बड़े से हैं, पानी इनका सूख जाता है बिल्कुल से, तो इसी वजह से ये पीले हो जाते हैं पत्ते, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा पानी की कमी हो जाती है किसी किसी दिन। देखिए इस तरह से पत्तों को ज़रूर हटा लीजिए, नहीं तो इससे फंगस लगेगा सूखे हुए पुराने पत्तों में, और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ऐसे ही मैं अपने प्लांट को फर्टिलाइज करूँगी पूरे विंटर, जो भी मेरे प्लांट हैं। क्रिसेंथियम में तो बस हमको एक आध बार ही और देना है जिनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, बाकी में तो लगभग कलियाँ सभी में आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा वर्बीना का प्लांट है, इसमें भी हम दे देंगे, इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, जिसकी जिसकी मिट्टी ड्राई है उसी उसी को मैं दूंगी। और यहाँ पर देखिए हमारा गजानिया का प्लांट भी है, इसकी मिट्टी भी ड्राई है, और क्रिसेंथियम भी देंगे हम, और बिल्कुल पतला लिक्विड ही आपको बना के देना है, एकदम गाढ़ा नहीं देना है कि ऊपर से फंगस सा लग जाए प्लांट में आपके। ये देखिए हमारा क्रिसेंथियम है, इसमें भी हम दे देंगे, तो जिसकी मिट्टी ड्राई है उसी में हम दे देंगे थोड़ा थोड़ा। स्ट्रॉबेरी की ग्रोथ ही नहीं रही, घास उगी है एक एक झउआ, तो कहाँ से ग्रोथ होगी, कलियाँ जबकि आ गई थी इनमें भी। और ये देखिए हम इसको मैरी गोल्ड में भी डाल देंगे, तो मेरी गोल्ड में आप तभी डालें जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई रहे, गीली मिट्टी में बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो फंगस ज़रूर लगेगा आपके प्लांट में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने फर्टिलाइज़र दिया अपने प्लांट में, और क्रिसेंथियम में भी देखिए सभी में बर्ड्स और कलियाँ फ्लावर जो आए हैं आ गए हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होने वाली है, येलो बहुत ही प्यारा सा है, ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं जब ये एक साथ खिलते हैं तो। और उधर सारे मेरे रेड कलर के, मैरून कलर के, तो यही फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती रहूँगी, और इसी तरह से देती हूँ मैं, सुबह के टाइम देती हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलता तो दोपहर में मतलब कि 3-4 बजे के लगभग देती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह ही दीजिए, और मुझे तो लेट हो जाता है, मैं घर के काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, तो मैं डालती हूँ अपने रिस्क पे जो भी होता है, शाम तक में भी मतलब ड्राई होगा तो होगा, नहीं तो कल ड्राई हो ही जाएगा। तो मुझे तो शाम हो गई है, लगभग 4 बज रहे हैं, 4 बजे ही डाल रहे, बिल्कुल दोपहर में नहीं डालना, फिर भी 4-5 बजे ही तो डालें, फिर अगर डालना चाहते नहीं तो आप सुबह ही डालिए, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे प्लांट को दे दिया जिनको जिनको ज़रूरत थी, तो आप भी देते रहिए, बस यही ध्यान रखना है आपने तुरंत रिपोर्ट किया है तो थोड़े दिन रुक करके फर्टिलाइज़र दीजिए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है, थोड़ी मात्रा में देना है ताकि प्लांट आपका हेल्दी रहे, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और विंटर प्लांट्स बिल्कुल फूलों से भरे हुए आपको मिलेंगे, ये फर्टिलाइज़र आप पूरे विंटर देते रहेंगे तो। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।